कैसे हो दोस्तों, आशा है कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं आपका दोस्त धर्मराज सिंह अपने चैनल ड्रीम फूड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको लेकर चलता हूं बनारस की सबसे पुरानी दुकान पर दोस्तों, जो अपने स्वादिष्ट मिठाई के लिए जाना जाता है। इस मिठाई शॉप का नाम है दोस्तों श्री राजबंधु स्वीट शॉप दोस्तों, जो भेलूपुरा कमच्छा वाराणसी में स्थित है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज हम यहाँ का लखनवी चाट खाएंगे दोस्तों, जो सिर्फ देसी घी में ही बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग श्री राजबंधु जी का लखनवी चाट का स्वाद लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? गोलू। कहाँ के रहने वाले हैं? सीतापुर। सीतापुर, ये कौन सा जगह है? कौन सा जगह? चौराहा जी। कमच्छा चौराहा। कमच्छा चौराहा, तो मतलब कौन सा मतलब तेल प्रयोग करते हैं आप लोग? घी, देसी घी। देसी घी प्रयोग करते हैं। प्रति प्लेट कैसा है? 70 रुपये। प्रति प्लेट 70 रुपये का है। यह बास्केट बहुत अच्छी होती है। अब बास्केट 100 रुपये। 100 रुपये ना। अनार है। और ये गाजर, ये चुकंदर। चुकंदर रही भैया? अदरक। और ये धनिया, तो पापड़ी मसाला है। अच्छा, और ये आपका मतलब हरी हरी चटनी? हरी चटनी, मीठी चटनी है। हाँ, तीखी वाली। और ये मीठा? मीठी वाली। मीठी चटनी है। और ये दही? दही है। खासतौर से जो है राजबंधु जी का मतलब यहाँ पर नया मतलब चाट खोले हुए हैं, और ये जो है राशि चाट है, तो कह सकते हैं कि लखनवी चाट के नाम से खोले हैं। खासतौर से इनके जो रेसिपी में जो मसाले पड़ते हैं, खासतौर से जो ऊपर से डालते हैं, तो ये अनार है, गाजर है, और तरह तरह की सब्जियाँ है। ये तीखी चटनी है, और ये मीठा चटनी है, ये दही है। तो चलिए इनका जो हम लोग जो है कि लखनवी चाट का स्वाद लेते हैं, देखते हैं कितना स्वाद है। एक टिक्की चाट खिलाइए। राजबंधु जी का जो है लखनवी चाट तैयार है दोस्तों। खासतौर से जो है कि तो ये लखनवी चाट बन रहा है राजबंधु जी का, जो है कमच्छा के पास, जो है कि सारी माता मंदिर के पास स्थित दुकान। खासतौर से ये 1887 ईस्वी में मतलब की दुकान खुला था। और ये कब से चालू हुआ है ये लखनवी चाट भैया? अगस्त से। 9 अगस्त। 9 अगस्त, 3 महीने से चालू। मतलब देसी घी में तला जा रहा है, इसे देखते हैं। हेलो भैया, कितना देर तलते हैं? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। 5 मिनट थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन देसी घी में बना के देते भी तो हैं, और बहुत ही। अब चल के खाते हैं और देखते हैं कैसा स्वाद देखते हैं भैया। क्योंकि गर्म चिक्की चाट है, उबला हुआ जी देसी घी में, उसके बाद ये मसाले डाले हैं ये खासतौर से, और उसके बाद ये जो है तीखी चटनी है, ये तीखी चटनी आ गई है, और साथ साथ इसके बाद जो है कि ये मीठी चटनी आई है ये, और उसके बाद ये दही आ गया भैया, दही भी आ गया ये सूखी जगह। और ये क्या डाल रहे भैया? लच्छा, आलू का। आलू का लच्छा है, ऊपर से डालते हैं। और उसके बाद जो है ये धनिया डाले हैं डेकोरेशन के लिए, ऊपर से अनार डाले हैं, और ये तैयार हो गया आपका लखनवी चाट। चलिए इसका स्वाद देते हैं। इसके ऊपर से एक बार फिर दही डालते हैं दोस्तों। और ये लच्छा आ गया, धनिया आ गया, और ये अनार है। जी है दोस्तों, राजबंधु जी का लखनवी चाट। चलिए इसका स्वाद लेते हैं। और ये 3 मिनट चालू किए हैं अपना, मतलब लखनवी चाट देसी घी का बना हुआ होता है, और काफ़ी मस्त बनाते हैं, बहुत काफ़ी भीड़ भी जा रही है दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों, लखनवी चाट का मज़ा लेते हैं। और ये देसी घी से भरपूर है, साथ साथ इसमें बहुत तरह के चीज पड़े हुए हैं, जो कि बावर्च में खास से जो है आलू का लच्छा डालते हैं, और उसके बाद दही डालते हैं, और उसके बाद भी जो लच्छा आलू का लच्छा डालते हैं, वो गजब का होता है दोस्तों। तो चलिए इसका स्वाद देते हैं, और इसके बारे में हम जानते हैं कि राजबंधु जी का लखनवी चाट कैसा है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फंटास्टिक बना हुआ है।
देसी घी मिला बनाते हैं 40 का बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, और साथ साथ जो की रेसिपी है बहुत ही मस्त बनाया दोस्तों। और ये लकड़ी चाट जैसा नाम है ऐसा काम है दोस्तों, और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब दोस्तों। साथ साथ जो इसमें लच्छा पराठा जो लच्छा आलू का डालते हैं और उसके बाद जो दही पड़ती है उसका जवाब नहीं, उसका जवाब ही नहीं दोस्तों। साथ ही इसके मसाले बहुत अलग किस्म के हैं, आप और अगर जगह जाएंगे तो चाट तो खाएंगे ही, चाट 20-30 रुपये तक मिल जाता है। लेकिन दोस्तों खास तौर से लकड़ी चाट बात कुछ होने जा रही है, कभी खाना हो तो आप जरूर यहाँ पर आइए। कमच्छा स्थित जो है कि राजबंधु जी की दुकान पर, कमच्छा स्थित राजबंधु जी की दुकान पर यहाँ पर जो लकड़ी चाट खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। एक बार जरूर आइए कमच्छा पर, वाह रे लकड़ी चाट राजबंधु जी का जवाब ही नहीं दोस्तों। कभी भी आइए, बहुत पुरानी दुकान है, 100 साल पुरानी दुकान है, यहाँ पर आकर जो है लखनवी चाट का मजा ले सकते हो दोस्तों। तो जरूर आइए आप राजबंधु जी की दुकान पर और लखनवी चाट का मजा लीजिए दोस्तों। श्री राजबंधु स्वीट शॉप का दोस्तों लखनवी चाट खाकर तो मजा आ गया दोस्तों। इस वीडियो के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है, अगर मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप अपने दोस्त रामराज सिंह को आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव।